ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। अब तक आपके मंगल वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 13 अप्रैल को और 25 घंटा 13 मिनट पर ये मंगल का जो प्रवेश होगा वह आपकी मिथुन राशि में होगा। देखिएगा, मंगल एक क्रूर ग्रह है और अग्नि तत्व है, अग्नि के कारक है, और मंगल का जो कार्य है सेनापति, इसको इसलिए कहते हैं कि सेना, फौज, मिलिट्री, पुलिस, कमांड करना, शासन करना, उच्च पद पर आसीन होना, कमांडर, सेनापति, साहस, लड़ाई झगड़ा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल, आपका बाहुबल, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, बंदूक, हथियार, इन सब चीज़ों का कारक। और मंगल से आपका पराक्रम, आपके भाई बहन, आपका साहस, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। अब चूंकि मंगल का मिथुन राशि में जो परिवर्तन होगा, अब ये क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व है और दक्षिण दिशा के मालिक हैं, और जो आपकी मिथुन राशि है, जो बुध की राशि है, यह क्रूर भी है और दुष्स्वभाव राशि भी है और पृथ्वी तत्व है और साथ में उत्तर दिशा की स्वामी है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि पृथ्वी पर आगजनी की घटनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, लड़ाई झगड़े और ख़ास तौर से दक्षिण और उत्तर में आपको देखने को ये सब मिलेंगे। तो यह जो मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, आज हम आपको जानकारी देंगे। कल हमने तीन राशि के बारे में आपको जानकारी दी, आज हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, इनके ऊपर मंगल के परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मंगल का जो वृषभ राशि में गोचर चल रहा था, यह आपको बहुत शुभ फल नहीं दे रहा था, थोड़े इसके अशुभ फल वहाँ पर प्राप्त हो रहे थे आपके। और मंगल जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है, मेष राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और मकर राशि उच्च की राशि। तो जानेंगे क्रम से तीन राशियों के बारे में, कर्क, सिंह और कन्या, कि मंगल के राशि परिवर्तन के क्या शुभाशुभ आपके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, इसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं और कर्क राशि के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल का जो गोचर हुआ है, यह आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है, तो यह स्थिति बहुत शुभ नहीं है। यानी 12वें भाव में मंगल क्या करेंगे, ये आपके दशमेश भी हैं, कार्य व्यवसाय के घर के लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है और वहाँ से 8th हाउस में भी है, तो ये क्या करेंगे, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, रक्त संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित रोग, पित्त के रोग और ब्लड प्रेशर, BP हाई रहना, क्रोध की अवस्था, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी क्रिएट करेंगे जिससे आपका शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है वह आपका गड़बड़ाएगा। और शारीरिक भी आपको रक्त संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया, पित्त संबंधित प्रकोप, खास तौर से ताजा अग्नि से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इनके हम वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसा रुकना, फंसना, अटकना, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में कोई नुकसान, अगर आपके कोई केस वगैरह चल रहे हैं, ट्रैवलिंग यात्रा से नुकसान, कोई लॉस होना, कोई संबंध खराब होने और क्रोध की अवस्था रहना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी हैं। लेकिन इनकी जो दृष्टि का सवाल है, वह दृष्टि इनकी चौथी दृष्टि, मंगल जहाँ पर बैठते हैं वह चौथे भाव को और सातवें भाव को और अष्टम भाव को देखते हैं, यानी 4, 7, 8। अब इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके पराक्रम के स्थान पर है, या आपके यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा रहेगा। हालांकि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न आपके अंदर आएंगे, थोड़ा ऊहा पोह, उठा पटक की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका लाभ सहयोग आपको यहाँ पर मिल सकता है, आपके सहकर्मी हैं, आपके वेलविशर, शुभचिंतक हैं, उनका लाभ सहयोग मिल सकता है, तो थोड़ा स्थिति और उसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा मंगल के उपाय कर्क राशि वालों को करने बहुत ज़रूरी है, ये हम आपको अभी बता देंगे, उससे आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे और 80% तक आपको इनसे सुरक्षा प्रदान होगी। अब इनकी बात करते हैं हम सातवीं दृष्टि की, वह इनकी 6th हाउस पर है। यहाँ स्थिति
थोड़ी सी आपके फेवर में बनती है। फेवर में इसलिए बन जाती है क्योंकि जो सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि है, यह है यहाँ से आपको नौकरी में तरक्की उन्नति या अचानक से कोई नौकरी लगने के योग या तरक्की उन्नति। इससे पहले प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, अब मिलने की संभावना रहेगी, थोड़ी कोशिश कीजिए। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, कोई ऋण कोई कर्जा आपके ऊपर है, कोई रोग है उससे मुक्ति मिलेगी। यहाँ स्थिति आपके थोड़ी पक्ष में आपके फेवर में आएगी। लेकिन और इनकी अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है वह पड़ रही है आपके तो आपके संपत्ति तो आपके सप्तम भाव पर, यानी आपके जहाँ से आपका दाम्पत्य जीवन का विचार होता है, आपके दाम्पत्य सुख पर। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो विवाह शादी का कोई योग बनेगा, और अगर मैरिड हैं विवाहित हैं तो पति पत्नी के संबंध थोड़े मजबूत बनेंगे। लेकिन वहीं पर शनि भी है और मंगल शनि, मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, हालांकि उच्च की राशि है, लेकिन थोड़ा सा आप उत्तेजना से बचें, क्रोध से बचें, नहीं तो थोड़े पति पत्नी के संबंध खराब भी हो सकते हैं। अचानक से विवाह शादी का संबंध आपका यहाँ पर बन सकता है, और पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिजनेस करते हैं कोई करना चाहते हैं कीजिए, यहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे उन्नति करेंगे। लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर गड़बड़ाई हुई है। संतान पक्ष को लेकर स्थिति आपकी बहुत ठीक नहीं रहने वाली है। संतान की तरफ से कोई चिंता कोई टेंशन, अचानक से उनका विवाह शादी का कोई संबंध अगर बनने जा रहा है, कोई रिश्ता हो गया है, सगाई हो गई तो वो टूट सकता है, विवाह शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी संतान को नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, कार्य व्यवसाय में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, या एजुकेशन में पढ़ाई में कोई दिक्कत आ सकती है। तो संतान की तरफ से थोड़ा असंतुष्टि का माहौल समय समय पर आपको देखने को मिलेगा, और आपके अंदर भी थोड़ा मेंटली इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें थोड़ी रहेंगी, थोड़ी उत्तेजना की स्थिति बनी रहेगी। जो जातक विद्यार्थी वर्ग है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, यहाँ भी थोड़ी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके मंगल अष्टम भाव में है और आपके पंचमेश भी हैं, बारहवें घर में चले गए, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी। कहीं कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, कहीं एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, वहाँ दिक्कत आएंगी आपको। और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी आप अपने को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एकाग्र नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको अचानक से फेस करनी पड़ेगी, जिस वजह से आपकी पढ़ाई से आपका ध्यान हटे और उसके परिणाम भी आपके फेवर में ना आए। और प्रेम संबंध वालों के लिए भी यही स्थिति है, आपके प्रेम संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, अचानक से संबंध आपके छूट सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नौकरी पक्ष वालों के लिए ठीक है, जैसा हमने आपको बताया यहाँ पर। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो कार्य व्यवसाय में भी थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर हम केवल मंगल की ही बात कर रहे हैं, और ग्रह भी अपना गोचर करते हैं, आपकी कुंडली की दशा अंतरदशाएँ भी होती है, लेकिन जहाँ तक मंगल का सवाल है तो हम अभी उसी का जिक्र कर रहे हैं और उसी के बारे में आपको फलादेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कार्य व्यवसाय में थोड़ी मेहनत और संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी, अचानक से कोई नुकसान भी उसमें हो सकता है, आपका कोई कार्य व्यवसाय बंद भी हो सकता है और उससे संबंधित कुछ लॉस नुकसान। नौकरी में तरक्की उन्नति करते हैं, आजीविका से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई नुकसान या संघर्षों का सामना आपको करना पड़ सकता है, और जितना आप संघर्ष करेंगे एफर्ट्स करेंगे उसके वांछित अपेक्षाकृत आपको तो उतने फल नहीं प्राप्त होंगे। तो यहाँ थोड़ी सी मंगल की वजह से प्रॉब्लम है, और अचानक से कोई दुर्घटना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम अचानक से आपको क्रिएट हो सकती है। साथ में लाभ की दृष्टि से भी यहाँ से आपके मंगल दूसरे भाव में चले गए तो थोड़ा अचानक से आपके लाभ में रुकावट आना, थोड़ी प्रॉब्लम आना, बड़े भाई बहनों से कुछ थोड़ा नुकसान, या जो आपके मित्र वर्ग हैं उम्र में आपसे बड़े हैं, स्त्री हैं या पुरुष, वहाँ से कुछ नुकसान, ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा वहाँ से, तो आपको कोई फाइनेंशियली लाभ आपको परिवार वालों से मिल सकता है, उनका सहयोग मिलेगा, तो थोड़ा शांति बरतें, उनके साथ संबंध अपने ठीक बना कर रखें, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति आपकी बन रही है।
मकान भूमि मकान वाहन लेने का योग बन सकता है, तो थोड़ा घर में समय समय पर थोड़ी अशांति तो क्रिएट होगी, सुख संसाधनों में भी थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी आपका कोई मकान लेने का या वाहन लेने का योग आपका बन सकता है, तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी माता जी की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऑल ओवर अगर देखें यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में जो मंगल का राशि परिवर्तन है, अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में आपके फेवर में है, या मंगल शुभ स्थिति में है, या किसी और ग्रह की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, तो यहाँ आपको मंगल के जो अच्छे प्रभाव हैं वह आपको 60-70% तक देखने को मिलेंगे, 80% तक भी मिल सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो यहाँ आपको इसके 10-20% ही आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका भी बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है वह आपकी मेन है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार है, बेस है, तो अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। तो जब आपके गोचर ग्रह और आपकी कुंडली का जब विश्लेषण आप होगा, आप किसी सुयोग्य ज्योतिष से कराएंगे, तो इसको टैली करके फिर आपको इसके शत प्रतिशत जो आपको परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और छोटे छोटे उपाय करके आप मतलब इनके ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचेंगे, लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा, लाभ प्राप्त करेंगे। हमसे विश्लेषण कराना है हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप फ़ोन पर भी हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो इसलिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए ऑल ओवर, जैसा कि हमने आपको बताया है, अगर इसकी दशांतर दशा मंगल की या किसी और ग्रह की आपके फेवर पक्ष में, तो आप काफ़ी उन्नति तरक्की करेंगे, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, इसलिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का जो ट्रांजिट है यह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत शुभ स्थिति है, यानी आपके 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम में अचानक से सिंह राशि वालों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, और धन का आगमन सुचारू रूप से आपके पास आता रहेगा। आपके जो मित्र वर्ग हैं उनसे आपको मेल फीमेल उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहन हैं उनका लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, और अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति या लगातार सोर्स ऑफ इनकम, पैसे का आगमन, धन का आगमन आपके पास होता रहेगा, बहुत शुभ स्थिति है। और जिनकी दृष्टि फैमिली फाइनेंस पर पड़ रही है, वहाँ पर थोड़ा फैमिली में थोड़े से डिफरेंसेस, थोड़े मन मुटाव, या अचानक से आपके जमा गए तो आपके धन कोष में वृद्धि तो होगी लेकिन थोड़ा खर्चा भी उसमें हो सकता है, तो ऑल ओवर स्थिति थोड़ा परिवार वालों के साथ थोड़ा संयम बरतें, वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो थोड़ी स्थिति आपके यहाँ पर बिगड़ सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आत्मविश्वास आत्मबल के ऊपर आप जो अपना कार्य करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो बनेगा, कोई निर्णय लेकर कोई योजना बनाकर कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, आपके सहकर्मी आपके कर्मचारी जो आपके नीचे कार्यरत हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा, तो छोटी मोटी ट्रैवलिंग अगर करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, थोड़ा नेम फेम आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, और जो आपके शुभ चिंतक हैं आपके वेल विशर्स हैं मिलने जुलने वाले लोग हैं वहाँ से भी लाभ गेन कर सकते हैं, आप तरक्की करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके फोर्थ हाउस की, तो यहाँ भी स्थिति आपकी ठीक है, अचानक से कोई संपत्ति लेने के योग बनेंगे, कोई मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, घर के सुख संसाधनों में वृद्धि, माता का आशीर्वाद ब्लेसिंग, इससे पहले उनकी हेल्थ डिस्टर्ब थी, उनकी तबीयत खराब थी, तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ चल अचल संपत्ति बनने के योग हैं, कुछ एसेट्स, कुछ संसाधन, कुछ लग्जरी आइटम्स, ये सब बढ़ेंगे और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और आप बहुत शांति और पीस सपने को फील करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंगल के जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपके फिफ्थ हाउस पर, मित्र राशि पर दृष्टि, धनु राशि पर, और वहाँ के स्वामी भी आपके केंद्र में है, मूल त्रिकोण के स्वामी है, बहुत शुभ स्थिति है, आपके संतान के कोई विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं या नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे,
और साथ में आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय में तरक्की। और अगर हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है संतान की तो वो हेल्थ ठीक हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी और आपका कोऑर्डिनेशन, आपका तालमेल संतान के साथ बना रहेगा। शुभ स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, बहुत अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोई डिग्री मास्टर डिग्री में कोई एडमिशन लेना है तो लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगे आपको उसमें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध वाले जातकों के लिए भी अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंध आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए, तो संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। शुभ स्थिति है। बात कर लेते हैं हम आपके नौकरी पक्ष की। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और मंगल वहाँ से सिक्स्थ हाउस में है, सोर्स ऑफ इनकम के घर में है, और साथ में अष्टम दृष्टि जो उनकी पड़ रही है, आठवीं दृष्टि, वह उच्च की पड़ रही है। यानी इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इससे पहले आप नौकरी को लेकर आप प्रयास कर रहे थे और बार बार इंटरव्यू आप देते जा रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब निश्चित मानिए यहाँ पर मंगल की कृपा आपको पूरी मिलेगी और वहीं पर आपके शनि देव भी अपनी राशि में शशियोग बनाकर बैठे हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी इंटरव्यू वगैरह देंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, तो आपको खुशी की आज अनुभूति होगी। और पहले से कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, उससे आपको बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। कोई रोग आपके ऊपर, कोई बीमारी बहुत टाइम से चल रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी, उससे छुटकारा मिलेगा। और अगर कोई कर्जे की स्थिति आपके ऊपर बनी हुई थी, तो कुछ रास्ते ऐसे बनेंगे कि आपका कर्जा उतरता नजर आएगा और आपका कंप्लीट कर्जा भी उतर सकता है। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल शुभ है, स्थिति ठीक है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ऊपर नीचे का माहौल रह सकता है, हालांकि वहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे और अचानक से इससे पहले अगर विवाह तो आपके संबंध नहीं बन पा रहे थे या आपके रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे, अब निश्चित रूप से अगर आप प्रयास करेंगे तो विवाह शादी के संबंध बनेंगे। और जो लोग विवाहित हैं, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, संबंधों में मधुरता आएगी। इससे पहले अगर कोई डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे पति पत्नी के और एक दूसरे से सलाह मशवरा करके अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, ये नया बिजनेस करना है पार्टनरशिप में कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके, लेकिन अचानक से थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा हेल्थ को लेकर थोड़ा कोई चोट फेट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना छोटी मोटी आपके साथ घटित हो सकती है। भाग्य यहाँ आपको पूरा सपोर्ट करेगा, बिल्कुल आपको निश्चित मानिए कि आपको उन्नति के अवसर मिलने वाले हैं और ये अवसर आपको, बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, तो इसको भी अर्थ मत जाने दें। थोड़े अवसरवादी बन जाएं और थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़े एफर्ट्स करें, इसको भी अर्थ मत जाने दें। आप देखिएगा 99% आपको इसमें सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। विदेशों को लेकर अगर आपके कोई कार्य अटके हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपका कोई ना कोई योग बनेगा और आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की पूजा पाठ में आपका ध्यान लगेगा और भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। और यहाँ पर आप का जो भाग्य है वह आपको बिल्कुल साथ देगा, जिससे आप उन्नति तरक्की करेंगे, यह निश्चित मानिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके कार्य व्यवसाय की। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ भी स्थिति ठीक रहेगी, आप कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नया कार्य व्यवसाय करना है, खोलना है, उसमें विस्तार करना है या उसमें कुछ चेंजेस करनी है,
उसमें कुछ वृद्धि करनी है या नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहते हैं कीजिए, सफलता मिलेगी। और साथ में नौकरी में तरक्की उन्नति, आजीविका से संबंधित, कैरियर से संबंधित अगर आप चिंतित हैं, कोई कार्य अब तक नहीं बन रहा था तो बनेगा, आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे और उसमें स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, जैसे हमने बताया अचानक से धन की प्राप्ति होगी और आगामी तो आपको लगातार धन प्राप्त होता रहेगा, आगमन के स्रोत बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। ट्रैवलिंग की दृष्टि से थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा संभल कर चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अचानक से आपको कोई पैसे का नुकसान, कोई लॉस हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें। ऑल ओवर अगर देखें कि आपके यहाँ पर जो तो आपके सिंह राशि वाले जातक हैं, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आपने खास तौर से ये देना है कि आपको थोड़ा प्रॉपर्टी या मकान या वाहन लेते समय तो थोड़ा ध्यान देना है, जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर आपको आ सकती है। बहुत जल्दबाजी ना करें, शुभ मुहूर्त देखकर कार्य करें तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। ऑल ओवर आपकी कुंडली में सिंह राशि वाले जातकों के अगर मंगल की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, किसी और ग्रह की स्थिति आपके फेवर में पक्ष में है, तो आप निश्चित मानिए कि आप 80-90% तक आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर वहाँ आपकी कुंडली में दशा अंतरदशाएं आपके फेवर में नहीं है, ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो भी आपको 30-40% तक तो रिजल्ट फिर भी अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए एक बार ज़रूरी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, क्योंकि यह जो फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इनका भी महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और आपकी जन्म कुंडली आपकी मेन है, आपका आधार है, आपका आधारभूत है। तो जब दोनों को आप टैली करेंगे तो शत प्रतिशत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम, और कुंडली का अगर आपको विश्लेषण कराना है तो हमसे भी आप करा सकते हैं, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी आपको जमा करनी पड़ती है फॉर्मेलिटी के नाम पर, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, फ़ोन पर भी करा सकते हैं, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होंगे, आपका मार्गदर्शन भी होगा और आप छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। आगे चलते हैं, तीसरी राशि आपकी कन्या राशि। कन्या राशि में जो आपका मंगल का ट्रांजिट हुआ, यह 10वें घर में, यहाँ भी अच्छी स्थिति है, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब तक अगर बहुत संघर्ष कर रहे थे और उसमें स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी, और अब आप कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहे तो कर सकते हैं, साथ में उसमें कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस करना है, कर सकते हैं। आजीविका से संबंधित, कैरियर से संबंधित जो जातक अब जुड़े हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या नौकरी पक्ष में हैं, तो वहाँ तरक्की उन्नति करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, कार्य व्यवसाय में भी आप उन्नति करेंगे और आपको उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब मंगल की दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टेम्पर आपका शॉर्ट थोड़ा सा होगा, थोड़ा उत्तेजित आप हो सकते हैं, लेकिन उस उत्तेजना से बचें और विवेकपूर्ण ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लेकर आप कोई कार्य करें, कोई जल्दबाजी मत करें, तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आप उसमें सक्सेस आप गेन करेंगे। थोड़ा हेल्थ के प्रति थोड़े सावधान रहें, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई मेजर नहीं है। ऑल ओवर देखें तो आपका शारीरिक और मानसिक जो बैलेंस है, जो आपका संतुलन है, वो बना रहेगा। अब मंगल की 7वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपके भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी पर पड़ रही है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। तो यहाँ मंगल की कृपा से, हालांकि वहाँ के लॉर्ड बृहस्पति कुंभ राशि में थोड़ी सी आपको भूमि, मकान, वाहन से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको फेस नवा करनी पड़ेगी, लेकिन मंगल की दृष्टि से स्थिति वहाँ बैलेंस हो जाएगी। जब तक कि जो मंगल आपकी कुंडली के अंदर गोचर करेंगे, 39-40 दिन का जो समय रहेगा इसमें,
इसमें आपको अचानक से मकान की प्राप्ति, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, किसी भूमि की प्राप्ति और किसी वाहन की प्राप्ति, ये अचानक से हो सकती है, अचानक से आपकी योजना बन सकती है। घर में सुख शांति का माहौल, आपकी माताजी की हेल्थ में थोड़ा सुधार, थोड़ा चेंजेस, तो ये जब तक मंगल का गोचर रहेगा तो तब तक भूमि मकान वाहन को लेकर आपकी स्थिति शुभ है। घर में कोई लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि, ये आपकी होगी। हालांकि उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। किसी के ऊपर बहुत जल्दी आँख मीच कर ट्रस्ट मत करें। तो पैसे का लेन देन करते समय सोच समझ कर किसी शुभ मुहूर्त में ही आप ये कार्य करें। नए मकान में प्रवेश करना है, नई गाड़ी लानी है, कोई शुभ मुहूर्त देखिएगा या किसी ज्योतिषी से पंडित से दिखा लीजिए, तब ये कार्य कीजिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद इनकी जो अष्टम दृष्टि है मंगल की, वह आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ रही है, उच्च की दृष्टि है, बहुत अच्छी स्थिति है, तो आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, तो विवाह शादी के सूत्र में बंधेगी, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय में तरक्की, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब थी तो हेल्थ में सुधार हो जाएगा, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। और साथ में जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, कीजिए, आपको आगामी उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और प्रेम संबंधों में अगर हैं तो वहाँ भी स्थिति ठीक रहेगी, कंटिन्यू कीजिए, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा संयम बरतिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। उसके बाद कार्य व्यवसाय की बात करते हैं, उन तो आपकी नौकरी पेशे की, यहाँ पर थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े संघर्ष बढ़ जाएंगे, नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, उन्नति में जो इंक्रीमेंट्स आपके होने वाले हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम बाधाएं आ सकती हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, ऋण और रोग की स्थिति पैदा हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहे। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपकी गड़बड़ा सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े मन मुटाव, थोड़े डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं या क्रिएट हो सकते हैं, और यह स्थिति आपके डिवोर्स तक, कोर्ट तक भी पहुंच सकती है। कोई विवाह शादी कहीं होने वाली है, संबंध बनने वाले वह आपके छूट सकते हैं, या कोई पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा मतभेद दो उभर सकते हैं, थोड़ा सावधानी भरिए, दबरतिए, संभल कर रहिए, शांत रहिए। और अगर बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा और पार्टनर से धोखा मिलने की भी पूरी संभावनाएं रहेंगी। इसके बाद अचानक से चोट फिट दुर्घटना, और साथ में यह थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, थोड़ा अग्निगर्भ है, थोड़ा अग्नि से इलेक्ट्रिक की चीज़ों से बचें, और कोई रक्त संबंधित बीमारी, पेट की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम, बैक पेन, जॉइंट पेन, पित्त संबंधित रोग, कोई गर्मी आपके शरीर में बढ़नी, ये सब चीज़ें, आपका ब्लड प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती है। अचानक से कोई गुप्त रोग भी आपको जो गर्मी के कारण हो सकता है, तो जॉइंटिस, पीलिया वगैरह से बचें, तो लीवर की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सजग रहें, थोड़े सावधान रहें। उसके बाद भाग्य स्थान की बात कर लेते हैं, यहाँ भी थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, विदेशों से संबंधित कोई कार्य है या जाना चाहते हैं वहाँ थोड़ी तकलीफ आएगी, और जो आप उन्नति करते हैं, तरक्की कर रहे हैं, उसमें थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। भगवान की पूजा पाठ से थोड़ा ध्यान हटेगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान कम लगेगा, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, तो लेकिन आप बिल्कुल चिंतित मत हो, थोड़ा सा उपाय अभी हम आपको बताएंगे, अगर वह आप ध्यान से कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप मंगल के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, और 80-90% तक आपको उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। लाभ की दृष्टि से अचानक से थोड़ा सा आते आते लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी रुकावट आ सकती है, बड़े भाई बहनों से नुकसान, जो मित्र वर्ग है, मेल फीमेल स्त्री पुरुष खासतौर से आपसे उम्र में बड़े, उनसे थोड़ा नुकसान हो सकता है, कोई धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
ट्रैवलिंग की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी। यात्रा दी के थ्रू कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या अपने देश में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी आपकी ऐसी है कि जिससे आपका जो कार्य चलता है, तो यहाँ पर आपके नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, उनसे आप लाभ गेन करेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस आपका चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। ऑल ओवर देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह जो फलादेश है वो हमने चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है वह मेन है, आपकी ज़िंदगी का पूरा बेस है, तो उसका भी एक बार विश्लेषण जरूर करा लें तो आपको शत प्रतिशत इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हमसे विश्लेषण कराना है हमसे करा लीजिए, बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी फॉर्मेलिटी के लिए आपको जमा करनी पड़ती है। फ़ोन पर भी आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप लाभान्वित भी होंगे, आप लाभ भी गेन करेंगे, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में अगर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, और ख़ासतौर से मंगल की, तो आप 70-80% तक तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और वहाँ दशा अंतरदशा फेवर में नहीं है तो 10-20% इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।